संपत्ति का चलन आम बात हो गया है। जैसे कि कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कई बड़े शहरों में रेड लाइट एरिया के नाम से जानी जाती है ऐसी जगह। लगता है झारखंड रांची रेलवे स्टेशन के पास की कुछ होटल्स भी इस तरह के व्यापार में आगे बढ़ रही हैं। होटल रॉयल रेसिडेंसी, होटल ओम, होटल बाबा बद्रीनाथ, होटल गुरु, होटल अमर, होटल सेवन जी के बारे में जब खबर मिली तो चुटिया क्षेत्र की थाना प्रभारी ममता कुमारी ने वहां पर छापा मारने की सोची, पर जब तक वो वहां पहुंचती किसी ने उन होटलों में खबर कर दी। ममता जी के हाथ चार पांच लड़कियां लगी जिन्हें पूछताछ के बाद उन्होंने छोड़ दिया। अब इन सब में क्या थाने का स्टाफ भी शामिल है, क्योंकि पहले के स्टाफ धनंजय के सामने भी ये सब होताया है। ये सब उनकी क्वालिटी से पता लगाया जा सकता है जांच के बाद कि आखिर सच क्या है। अब इन सब में होटल के मालिक भी शामिल है या सिर्फ स्टाफ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ममता जी की ये पहल सराहनीय है जो कि समाज को सही दिशा की ओर ले जा रही है। इस पहल में सरकार और जनता दोनों को उनका साथ देना चाहिए। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।